नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख रहे हो सर्पमित्र जीवन सिंह स्नेक सेवा। दोस्तों हम एक सांप को लेके आए थे जिसे मैं आपको दिखाता हूं। ये सांप पहला रेस्क्यू हमारा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सांप पहली बार मिला, ऐसा सांप से आप एक बार कन्यानी सांप लेकर दोस्तों अब इस सांप को देख सकते हो। ऐसा सांप पहली बार मिला दोस्तों। ये सांप की लंबाई दोस्तों अभी 1 फीट 4 इंचिंग के समथिंग है। बाकी इसे इंग्लिश में रेड सैंड बोआ के नाम से इसे जाने जाते हैं। दो मुंह का सांप रहता है ना दोस्तों, ये बेबी उसका बच्चा है। जो लोग कहते हैं इसके दो मुंह होते दोस्तों, कभी चिकलोन के दो मुंह होते नहीं देख सकते दोस्तों, ये उसी का बच्चा है। यह सांप भारत में सभी जगहों पर पाया जाता है। ये सांप भारत में हर जगह पाया जाता है और इस सांप के दो मुंह कभी होते ही नहीं है। ये सब एक अंधविश्वास है बस, और कुछ नहीं। ये इसका मुँह है, ये इसकी आँख है। आँख दिखाई दे ठीक है, और ये इसका मुँह है। तो दोस्तों दो मुँह तो होते नहीं, बचपन से एक ही मुँह से आता है। बाकी वो बड़े होने पर ये बिल्कुल काले रंग की हो जाएगी, तब जाके ऐसा लगेगा कि दो मुंह का सांप है। दोस्तों सांपों के कभी दो मुंह नहीं होते, दो मुंह सांप के होते हैं। जो बचपन से ही दो मुंह के सांप कोई अंडों से बाहर आते हैं तभी दो मुंह के सांप होते हैं। ऐसे दो मुंह के सांप अभी तक तो दोस्तों हमने देखे नहीं है और होते भी नहीं है। तो दोस्तों इसे अंधविश्वास में ना रहे। ये दोस्तों बेबी है दो मुँह जिसे हम दोस्तों इस सांप की पहचान देखिए आप, बोआ जो इस तरह से दिखाई देती है, हल्की सी पट्टिया। इसका चिकलोन और दो दम्बोई भी कह सकते हैं इस सांप को। तो ये बेबी इसकी पहचान आप देख सकते हो छोटे सांप की। ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखाई देगा और आगे से लाल लाल कलर का ये कुछ धब्बे हैं। जैसे ये सांप बड़ा होगा वैसे ही ये दाग मिट जाएंगे। ये टोटली नॉन वेनमस सांप होता है, बिना जहर वाला सांप होता है, इसमें किसी प्रकार का जहर नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, हम इसे रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों सांप तो बहुत सारे, हर वेराइटी अलग अलग रहती है सांपों की। सांपों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जानकारी से दोस्तों सांप को भी ना पकड़े तो अच्छा है, नहीं तो जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं ये सब आज़ाद हो चुका है। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सांपों से रिलेटेड जानकारी और भी मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।